गोविंद मंत्री नहीं, आपका बेटा है, आपका भाई है, आपका सेवक है और आपका रक्षक है। ज्योतिरादित्य सिंधिया कमलनाथ पर पलटवार करते हुए बोले, गोविंद सिंह राजपूत सुर्खी मेरी गुलाम नहीं है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंजना और आप देख रहे हैं द खबरदार न्यूज। तो चलिए बढ़ते हैं आज की बड़ी खबर की ओर। सुर्खी का गुलाम हूं, राहतगढ़ में भाजपा प्रत्याशी गोविंद सिंह राजपूत के समर्थन में केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया की विशाल जनसभा का हुआ आयोजन। सागर सुर्खी, गोविंद सिंह राजपूत मंत्री नहीं, आपका बेटा है, आपका भाई है, आपका सेवक है, आपका रक्षक है। इस व्यक्ति ने जीवन भर जनता की सेवा की है। आज से 30 से 35 साल पहले जनता ने विकास का जो बीज बोया था, उस बीज को आपने ही पानी दिया है, आपने ही उसका संरक्षण करते हुए आपने ही उसका पालन पोषण किया। आज वही बीज वटवृक्ष बनकर आपके सामने खड़ा है, जो आपकी सेवा करने के लिए हमेशा तत्पर रहता। ऐसे व्यक्ति का नाम है गोविंद सिंह राजपूत। ये बात राहतगढ़ में आयोजित विशाल जनसभा को संबोधित करते हुए भारत सरकार की केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कही। शुक्रवार को सुर्खी विधानसभा से भाजपा प्रत्याशी गोविंद सिंह राजपूत के समर्थन में केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया विशाल जनसभा को संबोधित करने के लिए राहतगढ़ के दशहरा मैदान पहुंचे। उन्होंने सभा को संबोधित करते हुए कहा कि मैं आदरणीय कमलनाथ और आदरणीय दिग्विजय सिंह नहीं हूं, जो केवल झूठ और लूट के सहारे जनता को गुमराह कर रहे हैं। मेरा तो जहां संबंध है वहां जान देने के लिए खड़ा रहता हूं। दोनों बड़े भाई कमलनाथ और छोटे भाई दिग्विजय सिंह ने राजनीति को सत्ता हासिल करने का खेल बना दिया। आपके क्षेत्र में पिछले कुछ दिनों से बड़े नेता खूब चक्कर लगा रहे हैं। उन्हें आपके क्षेत्र के विकास से कोई लेना देना नहीं, केवल सत्ता को पाना चाहते हैं। भारतीय जनता पार्टी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आप सभी के सपनों को संकल्प तक और संकल्प से सिद्धि तक ले गए हैं। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा कि कांग्रेसी उसे विदेशी पक्ष की तरह हमारे मैदान में आते हैं, चुनाव के 2-3 महीने रहते हैं और चले जाते हैं, इसके बाद में पूरे 5 साल नहीं दिखाई देते। आप ही बताएं, जो यहां से चुनाव लड़े वो पिछले 5 साल में आपको कितनी बार नजर आए। कांग्रेसियों को मध्य प्रदेश का विकास नहीं बल्कि कुर्सी का लालच है। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा कि गोविंद सुर्खी विधानसभा की सेवा अपने युवा रहते हुए कर रहे हैं। वे आपकी रक्षा के लिए तलवार, सुरक्षा के लिए सुर्खी विधानसभा के एक एक व्यक्ति के लिए ढाल बने हुए हैं। उन्होंने कहा कि मुझे गर्व है कि मेरे पूज्य पिताजी के साथ रहने वाले गोविंद को जनता ने होनहार सेवक बना दिया है। उन्होंने कहा कि 18 महीने की कांग्रेस सरकार झूठ और लूट की सरकार रही है। दोनों बड़े भाई कमलनाथ और छोटे भाई दिग्विजय सिंह की जोड़ी ने मध्य प्रदेश को खोखला करने का काम किया है। मध्य प्रदेश को चौपट करने वाले ऐसे कांग्रेसियों को अब विदा करना है। कांग्रेसी 18 साल का हिसाब मांग रहे हैं। पहले उन्हें जनता को अपने 55 साल का हिसाब किताब देना चाहिए, क्योंकि वर्ष 2003 के पहले की सरकार लापता सरकार थी, जिसमें न सड़क थी, न बिजली थी, न पानी था, लेकिन भाजपा की सरकार ने जनता के लिए सब कुछ दिया है। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी निःशुल्क खाद्यान्न वितरण कर लोगों को संबल देने का काम कर रहे हैं। उन्होंने गरीब कल्याण योजना को 5 साल और आगे बढ़ा दिया है। अब आने वाले 5 साल तक निःशुल्क खाद्यान्न लोगों को मिलता रहेगा। अभी हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की गुना में सभा हुई थी। इसमें उन्होंने घोषणा की है कि अब पुरुषों की जगह महिलाओं के नाम प्रधानमंत्री आवास के मकान होंगे। इसलिए तो कहता हूं कि मोदी है तो सब मुमकिन है। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा कि कांग्रेस की सरकार ने झूठे वादे कर किसानों के साथ छल किया है। उन्होंने 26,000 से ज्यादा किसानों को फर्जी प्रमाण पत्र बांट दिए, जबकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने 1,00,000 किसानों का कर्ज माफ किया। यही नहीं, किसानों को सम्मान देने के लिए हर माह किसानों के खातों में सम्मान निधि पहुँच रही है। उन्होंने कहा कि राहतगढ़ की बहनें कमलनाथ के पास गई थीं, लेकिन कमलनाथ ने कह दिया कि तिजोरी खाली है। लेकिन जब बहनें मुख्यमंत्री शिवराज सिंह के पास पहुंची, तो शिवराज सिंह बोले कि बहना, तिजोरी तुम्हारी है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी झूठ, लूट और फूट की पार्टी है, जो मोहब्बत की दुकान में नफरत का सामान बेच रही है। मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा कि इस बार आप सभी को 3 दीपावली मनाना है। पहली 12 नवंबर को लक्ष्मी पूजन के साथ, फिर 3 दिसंबर को कमल का फूल खिलाकर और 22 जनवरी को, तब जब देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अयोध्या में श्री राम लला की प्राण प्रतिष्ठा पुजारी और पुरोहित की मौजूदगी में करेंगे। सभा को संबोधित करते हुए भाजपा प्रत्याशी व मंत्री गोविंद सिंह राजपूत ने कहा कि ये संयोग है कि जैसी नगर में जब कमलनाथ की सभा हुई थी, तब महाराज ज्योतिरादित्य सिंधिया वहां आए थे। राहतगढ़ में भी कमलनाथ की सभा का जवाब देने के लिए आज ज्योतिरादित्य सिंधिया आए हैं। कल कमलनाथ बोल रहे थे कि सुर्खी गोविंद सिंह राजपूत की गुलाम है, उनसे मैं कहना चाहता हूँ कि
सुर्खी मेरी गुलाम नहीं, मैं सुर्खी का गुलाम हूँ। वैसे भी उनकी काफी उम्र हो गई है, उन्हें विकास कार्य दिखाई नहीं देते, लेकिन मैं उनसे कहना चाहता हूँ कि जिस स्टेडियम में आपका हेलीकॉप्टर उतरा था, वो स्टेडियम मैंने जनता के आशीर्वाद से बनवाया है। उन्हें राहतगढ़ में सिविल अस्पताल नहीं दिखाई दिया, मंगल भवन नहीं दिखाई दिए, सड़क नहीं दिखाई दी। उन्होंने कहा कि जो यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं, मंच पर कल खूब दहाड़ मार रहे थे, ये वही व्यक्ति हैं जो एक समय भारतीय जनता पार्टी और मेरी तारीफ करते हुए थकते नहीं थे। वे भी 5 साल जनता के बीच जनप्रतिनिधि रहे, लेकिन उन्होंने जनता की जगह केवल खुद का विकास कर लिया। ऐसे बहरूपिया का नकाब 17 तारीख को जनता खुद उतार देगी। उन्होंने कहा कि हम जो कहते हैं वो करते हैं। मैंने हमेशा बुजुर्गों का सम्मान और युवाओं का साथ दिया है, आगे भी मैं और मेरा पूरा परिवार 24 घंटे 12 महीने आपके बीच आपकी सेवा के लिए उपलब्ध रहेंगे। कार्यक्रम के दौरान भाजपा जिलाध्यक्ष गौरव सिरोठिया, अंत्योदय समिति अध्यक्ष राम कुमार पप्पू तिवारी, मंडल अध्यक्ष अमित राय, अनुराग पाठक, प्रवीण गोस्वामी, नगर परिषद उपाध्यक्ष जहीर कुरैशी, शैलेंद्र श्रीवास्तव, विनोद ओसवाल, अशोक जैन, गोविंद सिंह बटियाबदा, नरेंद्र अहिरवार, राम कुमार यादव, डैनी जैन समेत बड़ी संख्या में भाजपा के पदाधिकारी और क्षेत्र की जनता उपस्थित रही। द खबरदार न्यूज से सलमान कुरैशी की रिपोर्ट। उस कांग्रेस पार्टी को सदा हमें सागर डिवीजन से विजय करना होगा। किसानों के साथ वादा खिलाफी, महिलाओं के लिए शिवराज सिंह जी ने लाडली बहना योजना शुरू की। मेरी लाडली बहना कोई आई है यहां? लाडली बहना जरा खड़े हो जाओ अपने जगह पे। मेरी लाडली बहना, आप सबको मेरा प्रणाम। एक ही कमल की फूल की सरकार है जिसने लाडली बहना की सोची है, 1000 रुपया की योजना की शुरुआत की, आज 1250 खाते में आ रहा है कि नहीं? आप लाडली बहना कहां से बन गए? बोलो, आ रहा है कि नहीं? हाथ उठा लो अगर आ रहा है तो। आ रहा है खाते में? हर 7 तारीख को आ रहा है, 1000 को बढ़ाकर 1250 कर दिया, मिल रहा है? कांग्रेस ने कहा बीजेपी अगर 1000 कर रही है तो हम 1500 कर लेंगे। अरे कांग्रेसियों, अगर आप नहले हो तो नहले पे बहला शिवराज सिंह चौहान की भारतीय जनता पार्टी है। शिवराज सिंह जी ने कह दिया 1000 से 1250, 1250 से 1500, 1500 से 1750, 1750 से 2000, 2000 से 250। हरी घूंघट वाली, शर्मोबत। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।